स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, परमानेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं ये एवर ग्रोइंग होते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, दे आर एवर डिवाइडिंग एवर ग्रोइंग टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जब शुरू से जब प्लांट जर्मिनेट करता है तो मेरिस्टेम सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट यही आगे डिवाइड करके आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं और वो आगे परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। वो परमानेंट जो टिश्यूज हैं वो फिर वहाँ पे एक स्पेसिफिक अपना एक काम करते हैं और वो डिवाइड नहीं करते। लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ठीक है, व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं जिसकी वजह से डिवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो है वो ग्रो करता रहता है। इनकी जो लोकेशन है उसके मुताबिक ये ऐसी लोकेशंस पे होते हैं, ऐसी लोकेशन पे होते हैं प्लांट की, ठीक है, जहां पर प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है। तीन टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ये तीन टाइप्स के होते हैं। एपिकल, एपिकल मेरिस्टम मीन्स अपेक्स पे, ठीक है, टिप पे, शूट की टिप पे, जो शूट जो प्लांट का जो पार्ट होता है जो जमीन से ऊपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो टॉप वाली पोजीशन होती है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू होता है जो डिवाइड करता रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ती रहती है। ये एपिकल मेरिस्टम जो है वो जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं उनकी टिप्स पे भी होता है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो भी इलोंगेट करती हैं। ये इलोंगेशन या हाइट में हेल्प करता है। जितना भी प्लांट्स जो है वो अटेन करता हाइट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये रूट टिप्स पे भी होता है, शूट टिप्स पे भी होता है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो इंटरनोड्स पे होता है, जो लीव्स होती हैं, जो उनका लीव्स की जो टिप्स होती हैं जहाँ से वो अटैच होती हैं नोड्स के साथ, वहाँ पर ये होता है। और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि नए लीव्स या न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, वहाँ पे ये मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। तीसरा लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम जो है वो क्या करता है, वो साइड पे होता है, जो साइड होती है, जो स्टेम की साइड होती है, जो स्टेम होता है, स्टेम की जो साइड वेज होती हैं साइड पे, वहाँ पे ये होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट जो गर्थ होती है, जो चौड़ाई होती है उसकी स्टेम की, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज़्यादा मोटा एक स्टेम होगा इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक जो लेटरल मेरिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा होगा। सो लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, प्लांट को ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा बड़ा, साइड से बड़ा बनाता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे इनकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो एवर डिवाइडिंग है, वो डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो परमानेंट टिश्यू में तब्दील ना हो जाए। परमानेंट टिश्यूज को हम बाद में स्टडी करेंगे, परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वही प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लगातार ग्रोथ होती रहती है प्लांट ट्री या उसका जो साइज होता है वो बढ़ता रहता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही उसका साइज बड़ा होता है। सो हमने ये पढ़ा प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज में दो टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करता रहता है और परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रहते हैं
वो डिवाइड करते रहते हैं और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एवर ग्रोइंग है वो। और वो तीन टाइप्स के हैं, अपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे हैं और उनका फंक्शन जो मैंने आपको बताया। सो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।